प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कोडरमा के कांग्रेस जन भी जिले के विभिन्न प्रखंड की हर पंचायत में जिला अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा आयोजित कर कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। आज मरकच्चो प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केदार राणा की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नूर आलम व कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष यासीन अंसारी की अगुवाई में कांग्रेसजनों ने मरकच्चो प्रखंड के दशारो खुर्द पंचायत के ग्राम दशारो सिमरिया पंचायत के डूमरडीहा खैरून सिमरिया समेत जामू पंचायत के बिंडा हरलाडी समेत मुख्य मार्ग का भ्रमण कर भारत जोड़ो पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से कोडरमा विधानसभा भारत जोड़ो पदयात्रा प्रभारी रविशंकर यादव समेत अनुसूचित प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दशरथ पासवान और जिला प्रवक्ता संजय कुमार शर्मा उपस्थित हुए। पदयात्रा में जिला महासचिव संजय सेठ ने भारत जोड़ो पदयात्रा जिंदाबाद नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के जोरदार नारे लगाते हुए कांग्रेसजनों एवं आमजनों को जागरूक किया। जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने कहा कि राहुल गांधी देश में एकजुटता बढ़ाने एवं नफरत मिटाने हेतु 3,750 किलोमीटर की लंबी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा पर चल रही हैं, जबकि युवाओं एवं आमजन का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा प्रभारी श्री यादव ने कहा कि हम सभी धर्म सभी जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कांग्रेस को लाना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयनगर प्रखंड अध्यक्ष मिसबाहुद्दीन भोला दास, मरकच्चो प्रखंड उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह, महेश मोदी, अनवर हुसैन, गुलाब लाल, सुखदेव गोस्वामी, कयूम अंसारी, मोहम्मद सुलेमान, साजिद हुसैन, चंदन शर्मा, अभिषेक राणा, राहुल कुमार, लक्ष्मण विश्वकर्मा, संजय कुमार, मुबारक अली, महमूद अंसारी, इम्तियाज अंसारी समेत दर्जनों कांग्रेसी पदयात्रा में शामिल हुए। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।